हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मेरे वीडियोस को आपने लाइक किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों में दशहरा आने वाला है और इस साल हमने सारे फेस्टिवल घर में ही सेलिब्रेट किए हैं, तो दशहरा भी हम घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। सो गाइज, हर साल की तरह इस साल हम ये जलेबी और फाफड़ा बाहर से नहीं मंगाएंगे। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये घर पे ही ट्राई करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं जलेबी, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। सो गाइज, जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी छाछनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये कढ़ाई जो है ये गैस पे रखी है। अब हम डालेंगे इसमें 2 बोल्स ऑफ शुगर। अब हमने इसमें डालना है 1 बोल ऑफ वाटर। जैसे अगर आप 2 बोल्स ऑफ शुगर लेते हो तो आपको 1 बोल ऑफ वाटर लेना है। रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा। तो मैं अभी इसमें पानी डाल देती हूँ। अब हमें इसे हिलाते रहना है। सो गाइज, नाउ वी विल एड 1/2 टीस्पून ऑफ कार्डमम पाउडर। इसे चलाते रहिए जब तक कि ये शुगर इसमें अच्छी तरह से घुल नहीं जाए पानी में। फ्लेम अब धीमी रखी है अभी। सो गाइज, जब तक हमारी चाशनी तैयार हो जाती है तब तक हम जलेबी का बैटर बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, नाउ वी विल टेक 1 बोल ऑफ मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ कर्ड। तो मैं ऐड कर देती हूँ। सो गाइज, जलेबी को क्रिस्पी बनाने के लिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। इससे आपकी जलेबी क्रिस्पी होगी। सो गाइज, अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। जैसे किसी किसी को येलो कलर की जलेबी पसंद होती है, किसी को ऑरेंज कलर की। मैं ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ। सो गाइस, अब हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। सो गाइस, अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने पानी डालना है। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए। सो गाइज, आप देख सकते हो हमारा जो जलेबी का बैटर है ये बनके तैयार है। आप बस इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। ये देखिए, ऐसे होना चाहिए। और आज जलेबी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ केचप बॉटल। आपके घर पे भी अगर सॉस की बॉटल रहेगी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बनाते हैं। सो गाइज, अभी मैंने ये गैस पर कढ़ाई रखी है, ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ये ऑयल एक बार गरम हो जाता है तो इसे आप गैस को धीमे कर दीजिए, क्योंकि हम जब जलेबी निकालेंगे तो वो जल नहीं जानी चाहिए। तो गैस को धीमे रखिए, चेक कर लेते हैं पहले तो हमारा ऑयल गरम हुआ है या नहीं। हाँ, ये गरम हो गया है। अभी हम जलेबी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं।
गाइस हमें इसे ज़्यादा तक देर तक के नहीं पकाना है, लगभग 2 मिनट तक के आप दोनों तरफ से इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जैसे आप देख सकते हो ये मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। सो गाइस हमारी जलेबी ये फ्राई हो चुकी है, तो हमें ये जब भी गर्म रहेगी, गर्म जलेबी हमें वो गर्म चाशनी में डालनी है, तो ये मैं निकाल के अभी इसे चाशनी में डाल देती हूँ। सो गाइज आप देख सकते हो हमारी जलेबी बनके तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी झटपट बनती है और इसके लिए कोई चीज़ें भी नहीं लगती ज़्यादा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी। सो गाइज कैसे लगी आपको आज की रेसिपी, आप ज़रूर ये घर पे ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, जल्दी हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।